हुआ है। आज वो ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं जिनको कि ये लॉकडाउन से छूट दी गई है, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चिकित्सा कर्मी हो, मेडिकल स्टोर के में काम करने वाले कर्मचारी हो, उन्हीं को बाहर निकल रहे हैं। एक दो अपडेट मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि आज उदयपुर शहर में जितने भी थाने हैं वहाँ पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, उसके अलावा पुलिस की गाड़ियाँ हैं उनमें केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को 21 दिन तक बढ़ाया है, तो उसको लेकर सुरक्षा के और पुख्ता बंदोबस्त उदयपुर में किए गए हैं। मैं अभी उदयापोल चौराहे पर हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि केवल एक ही पूरे चौराहे पर एक ही ऐसा मार्ग है जिसको खोला गया है, जहाँ से लोग आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, उनकी पूरी जाँच करने के बाद ही वहाँ से उनको छोड़ा जा रहा है। खुद DSP राजीव जोशी जो है वो यहाँ पर कमान संभाले हुए, उन्हीं से बात करेंगे कि सर 21 दिन का लॉकडाउन हुआ उसके बाद में किस तरह के बदलाव जो है वो सुरक्षा को लेकर यहाँ पे किए गए, कितना जाप्ता बढ़ाया है। देखिए, जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है राज्य सरकार द्वारा, पहले भी 31 तारीख तक एक लॉकडाउन किया गया था, प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इसे बढ़ा दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि बार बार पुलिस प्रशासन के द्वारा, चिकित्सकों के द्वारा, मीडिया कर्मियों के द्वारा अपील करने के बाद और न्यूज इत्यादि देखने के बाद लोगों में कुछ जागरूकता बढ़ी है। अब लोगों ने बेवजह में घूमना फिरना कम किया है और इस वैश्विक महामारी की गंभीरता को समझते हुए वो घरों में रहने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी कुछ लोग बाग जो बेवजह में इधर उधर घूम रहे हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अब पुलिस के साथ साथ आज से होमगार्ड के जाप्ते की भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 200 सवा 200 का होमगार्ड का जाप्ता बढ़ाया गया है, जो भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के शिफ्ट वाइज ड्यूटी में मसरूफ हो गया है। इस प्रकार गाड़ियां जब्त की जा रही है, दो दिन में करीब 500 गाड़ियां जब्त की गई है, उनको छोड़ने के लेके क्या रहेगा, तुरंत छोड़ी जा रही है या बाद में दी जाएगी, क्या रहेगा उसको? उनको विधि अनुसार जो तुरंत छोड़नी होगी तुरंत छोड़ी जाएगी, जिस प्रकार, जिस तरह से उनका जो नियम है जब्ती के, चालान करके या जो जुर्माना है वो राशि देकर जो भी स्थितियां बनती हैं वो की जाएंगी, लेकिन निश्चित रूप से सख्ती जरूरी है, क्योंकि जब लोग नहीं मानेंगे, पीएम ने भी कहा, सीएम ने भी कहा, तब सख्ती करनी पड़ेगी। और इसी का कहीं ना कहीं ये नतीजा दिख रहा है कि कहीं लोग मुर्गा बन रहे हैं, कहीं पर वो एक तख्ती से लेकर या एक पेपर लेकर खड़े हैं जिस पर लिखा हुआ है कि मैं नहीं मानूंगा, मैं समाज को ऐसे ही संक्रमित करूंगा। आप सभी